एक्स्ट्रा लाना चाहिए था ना। ये बंदर है और श्याम सर लड़कियों को परेशान करते हैं रास्ते में और जाते हुए। मिठा है क्या हुआ तुम्हारे साथ? अमरुद तोड़ने गए थे। अमरुद तोड़ने। और ये कुंवर है जो ऊपर वायरिंग कर रहा है। ये एक बंदर बैठा हुआ है, हेलो कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो मतलब लाइट का काम सारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखता है। ये विक्की कौशल जो स्टेटस खतरनाक लगाता है और मजे करता है। ये पूरा यहाँ से गेट का व्यू है, वहाँ पर इस तरीके से नज़ारा रखा है। ये तिरंगा लगा हुआ है यहाँ पर और मैं दिखाता हूँ गेट आपको बाहर से कैसा दिखता है। ये लीची के पेड़ है, बहुत ज़्यादा लीची लगी थी इसमें इस बार। अभी यहाँ पर काम चल रहा है धूप में। और ये निजबर्ड है जो यहाँ पर निजबर्ड चलता है, लघु व्यवसायिक विकास संस्थान। और आज तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभाजन विविज का अमृत दिवस दिनांक 14 अगस्त 2022 को मनाया गया। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती बिमला देवी थी जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी की पत्नी थी। और उन्होंने आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया और भाषण दिया और थोड़ा बहुत चीज़ें अपने बारे में बताया क्या कैसे उन्होंने किया। और दिखाते हैं आपको गेट। पुरस्कार वितरण होना है 15 अगस्त को होगा। वो जो भी लोग यहाँ पर कंपटीशन जीते हैं उस सब चीज़ों को मिलेगा सर्टिफिकेट, तो वो कल मिलेगा, आज नहीं मिल पाया क्योंकि टाइम कम था। और ये बोर्ड है यहाँ पर, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निर्देशालय उत्तराखंड, राष्ट्रीय नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI देहरादून। और इस तरीके से यहाँ का नज़ारा हो रखा है। काफ़ी धूप हो रही है और बारिश भी हल्की हल्की सी पड़ रही है। ये मस्ती कर रहे हैं आपस में, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। ये मस्ती करने में लगे हैं लाइट लगाते हुए। हेलो गाइज, सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में। आप सभी देख सकते हैं कि मैं इस समय थक के बैठ चुका हूँ और इस समय टाइम हो रहा है 3 बज गया क्योंकि सुबह से हम लोग काम पे लगे हुए हैं। और आज फंक्शन हो रहा था तो वहाँ पर काफ़ी सारा बिजी थे और वीडियो बनाने में, ब्लॉग शूट करने में और थोड़ा बहुत हम लोग का काम भी देखना यहाँ पर था। तो इसी चक्कर में खाने का टाइम भी ख़राब हो गया आज। तो अभी जस्ट लंच किया, फिर लंच करके आया, फिर थोड़ी सी नींद आने लगी थी लेकिन मैं सोचा नहीं यार सोना नहीं है, अभी ब्लॉग कंप्लीट करना है अपने दोस्तों के लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ये ब्लॉग अपना। ये NSTI का गेट है जो कैंपस के बाहर का व्यू है। जैसे ही आप आओगे ये चौराहा है तो एक अंदर जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ और एक इस साइड जाता है पीछे की तरफ जहाँ पर मैं हूँ, और एक इस साइड से मेन रास्ता जो आता है इधर से और एक अंदर की तरफ जाता है। अब ये हमारी टीम है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बॉडी बिल्डर तरुण सर, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यही थाम रखे हैं। बिजली इनका काम है, छात्रावास से लेकर हॉस्टल, गेट, प्रशासनिक भवन सब पे ये क्या करते हैं, लाइट लगा रहे हैं, झालर जो रात में जलेगा तो काफ़ी बेहतर। भाई ये अनुज भाई हैं, ये मेस में इस समय अभी मालिक हैं इस समय। और खाने का डिपार्टमेंट यही संभालते हैं यहाँ पर। जब आप लोग नए एडमिशन लेकर आओगे तो मेस में यही मिलेंगे आपको, अनुज भाई दोस्त मिलेंगे आपको, उनको खाना खिलाना पड़ेगा। और ये अभी अभी ये दूध लेकर आ रहे हैं चाय के लिए, शाम की व्यवस्था में लगे हैं। तो गाइस आइएगा, दूध मिलेगा अनुज भाई। हाइट 1.5 फुट होने से भी कुछ नहीं होता। कुछ बोलना है? नहीं, हमारे भाई दूध है, दूध पीते हैं, चाय बनाते हैं, हॉस्टल मैनेजर, खाना बनाने वाले भाई साहब हैं। और ये लाइट वाला काम चलता रहेगा हमारा, शाम तक आज कंप्लीट करना है लाइट। और इनको बता दीजिए आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जानते हैं ठीक है।